और एक बड़ी खबर इसी बीच लखनऊ से बता दें आपको, जहां ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर एसपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में एसपी कार्यकर्ता पहुंचे मेट्रो स्टेशन के बाहर, हंगामा कर रहे हैं। पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। बड़ी संख्या में एसपी कार्यकर्ता पहुंचे मेट्रो स्टेशन के बाहर और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो गई। अनिल यादव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, किस बात को लेकर इतना हंगामा हो रहा है वहाँ पर? बिल्कुल, आज लखनऊ मेट्रो का कमर्शियल रन स्टार्ट हुआ, पहला दिन है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये उनके नेता की उपलब्धि है और अपने नेता की उपलब्धि की वजह से वो मेट्रो का सफर करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो लाल टोपी के साथ थे, पुलिस ने उन्हें मना कर दिया अंदर जाने से। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनके पास वैलिड कार्ड है, टोकन है, टिकट है, फिर उनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस कह रही थी कि वो बड़ी तादाद में, उनके जाने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। पुलिस ने उन्हें रोका, वो वहां पर हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे और उसके बाद पुलिस ने उन्हें 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया नगर मेट्रो स्टेशन खाली करने के लिए। 10 मिनट के दौरान पुलिस ने तमाम थानों की, कई थानों की फोर्स बुला ली, पुलिस और पीएसी के जवानों को भी बुला लिया और उसके बाद फिर पुलिस ने अपने अंदाज में हटाया, जिस अंदाज से हटाने के लिए मशहूर है। लाठियां भागी गई और कई कार्यकर्ताओं को भी वहां पर चोटें आई हैं। फिलहाल सबको अरेस्ट कर लिया गया है और हिरासत में लेके सरोजिनी नगर थाने पुलिस ले गई है और काफी देर तक लाठीचार्ज हुआ, 1 घंटे तक वहां पर बहुत पैनिक सिचुएशन बनी रही और हालात खराब हो रहे हैं। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन के आने के बाद पार्टी कार्यकर्ता और ज्यादा उग्र हो गए और पुलिस ने उन्हें उन पर जमकर लाठियां भाजी। अनिल, अब वहां पर हालात किस तरह के बने हुए हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर, क्योंकि जो लोग हैं आज पहले दिन सफर करने के लिए वैसे भी पहुंच रहे हैं और मेट्रो भी अभी 1.5 घंटे के लिए बंद हो गई थी, तो जो यात्री हैं वो भी थोड़े पैनिक हुए थे? बिल्कुल, आज पहले ही दिन था लखनऊ मेट्रो का और श्री गणेश गलत हो गया, मेट्रो में तकनीकी खामियां आई, कई जगह मेट्रो कई 1-1 घंटे तक रुकी रही और उसके बाद लाठीचार्ज होना, हंगामा होना, प्रदर्शन होना, ये अपने आप में काफी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। 1 घंटे तक ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन को बंद रखा गया, ना तो कोई मुसाफिर अंदर मेट्रो स्टेशन में जा पा रहा था, ना कोई बाहर निकल पा रहा था, तो बिल्कुल एक तरह से बंधक बन के रह गए थे अंदर मुसाफिर। कई लोगों की ट्रेनें छूटी, कई लोगों की फ्लाइट मिस हो गई और फिलहाल अभी पुलिस ने सबको हिरासत में। ठीक है अनिल।